आप सबको मेरा जय यीशु। आज मैं आपको पांच बुद्धिमान लोगों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार पांच बुद्धिमान लोग एक जंगल में जाते हैं। जंगल के बीचों बीच पहुँचने पर सब अपनी अपनी राय बताते हैं। पहला वाला बोलता है कि मुझे लगता है बाएं ओर जाना चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड में जाना चाहिए, क्योंकि मेरा इंट्यूशन ऐसा ही कहता है कि लेफ्ट साइड में कुछ अच्छा होगा। दूसरा वाला बोलता है कि मुझे लगता है दाएं ओर जाना चाहिए, बिकॉज राइट इज ऑलवेज द राइट डायरेक्शन, और वो ऐसे कहकर राइट साइड में जाने के लिए स्टार्ट करता है। तीसरा वाला इंसान बोलता है, अरे बाबा, मुझे तो सबसे सही ये लगता है कि मैं जिस दिशा से आया उसी दिशा से पीछे हो जाऊं, एंड ही स्टार्ट्स मूविंग बैकवर्ड। चौथा वाला इंसान बोलता है, ऐसा थोड़ी करना चाहिए, हमें तो हमेशा आगे जाना चाहिए, और वो एकदम निडर होकर सीधे चलता है, उसे न दाएं देखना है न बाएं देखना है। तब पांचवा इंसान बोलता है, अरे तुम सब तो मूर्ख हो, ऐसा थोड़ी करना चाहिए, मेरी बात सुनो और मेरे लिए रुको। वो तुरंत ही एक सबसे लंबे झाड़ पर चढ़ता है और उस झाड़ के ऊपर पहुंचने पर ऊपर से सब कुछ देखता है। उसे लगता है कि हाँ, दाएं ओर जाने से ऐसा ऐसा हो सकता है, बाएं ओर जाने से ऐसा ऐसा हो सकता है, सामने क्या है, पीछे क्या है। उसे लगभग थोड़ा बहुत एक क्लियर विजन मिल ही जाता है कि चारों ओर क्या है, पर उतनी क्लैरिटी नहीं मिलती जो कि हमें चलने पर मिलेगी। और वो उस लंबे वाले पेड़ पर बैठकर ये भी सोच लेता है कि अगर मैं ऐसे ऐसे जाऊं तो ये सबसे शॉर्टेस्ट वे होगा इस फॉरेस्ट से बाहर निकलने का। पर बाकी चारों लोग उसकी बात नहीं मानते, और चारों लोग जैसे उन्होंने पहले निर्णय लिया था अपनी अपनी दिशा में चल पड़ते हैं। और ये जो पांचवा है वो अपनी दिशा में जो उसने शॉर्टेस्ट रूट चुन लिया था। अब सुनिए दोस्तों, चारों नहीं पांचों लोगों की कहानी, उनके साथ क्या होती है। पहला वाला जो बाएं ओर जाता है वो एकदम घने जंगल में पहुंचता है। वहां पर उसके चारों ओर बहुत सारे जंगली जानवर और उसे भूख का भी सामना करना पड़ता है, पर वो इन सब का सामना करता है। एंड ही लर्न्स टू सर्वाइव इन द फॉरेस्ट, यानी कि वो जंगल में सभी मुसीबतों का सामना करना सीख कर जंगल में रहना सीख जाता है। अब दूसरा दोस्त जो कि दाएं ओर जाता है, वहां पर उसे कुछ चोर घेर लेते हैं और मजबूरी में उन्हें उस चोरों के गैंग को ज्वाइन करना पड़ता है। और पता है आपको उसके बाद क्या होता है? कुछ समय बाद उन चोरों के साथ समय बिताने के बाद वो आदमी इन चोरों को सिखाता है कि मानवता और दया का मतलब क्या होता है, कि हमारे जीवन में मानवता और दया का क्या महत्व है, और वो आदमी इन चोरों में बदलाव ला पाता है। तीसरा आदमी जो डायरेक्ट बैक जाता है, पीछे जाता है, वो उस जंगल में एक रास्ता बना पाता है, और अब बहुत सारे लोग बिना भटकते हुए जंगल से आसानी से उस रास्ते से आ सकते हैं और जा सकते हैं। चौथा व्यक्ति जो कि एकदम सामने जाता है, वो एक पायनियर बन जाता है, एक प्रथम उन्वेषक जो कि बहुत सारे नए जगह खोजता है, और उस जंगल में अभी किसी को भी कुछ भी परेशानी आती है तो उसके पास जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारे नए जगह खोज लिए थे एकदम एफिशिएंटली। और पांचवा आदमी जो कि सबसे ऊपर से सब कुछ देख पाता है, वो भी वहां पर एक बहुत अच्छा गाइड बनता है। अब इन पांचों व्यक्तियों की ओर देखो दोस्तों, सभी जीवन में अपने अपने राह चुन लिए, दे क्रिएटेड देयर ओन डेस्टिनीज, उन्होंने अपने अपने भाग्य को चुन लिया, अपने अपने भाग्य को डिसाइड किया और अपने अपने भाग्य को बनाया। सभी अपने आप में बुद्धिमान थे क्योंकि उन्होंने अपने स्किल्स की यूज की, और वे जहां पर है उन्होंने वहां पर सर्वाइव करना सीखा। हम में से कोई भी असंतुष्ट न रहे, क्योंकि हमने जो राह चुना है उसी में हम आगे बढ़े,
उसी पर हम नए नए तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु हम सबको हमारे भाग्य ढूंढने में आशीष दे। क्रिएट योर ओन डेस्टिनीज़।